अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो यह है मॉर्निंग का टाइम, तो सुबह ही सुबह मैंने अपने छोटे बेटे को नहला दिया है। कभी कभी क्या होता है ना कि दोनों सुबह उठते से ही मुझे उनके काम पर लगा देते, मतलब इनको खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना ये सब मुझे सुबह ही सुबह करना पड़ता है। तो ये अच्छा भी रहता है कि सुबह इनका सब काम निपट जाता है ना, तो फिर दिन भर इनका मतलब ज़्यादा कोई टेंशन रहती नहीं है, बस खिलाना पिलाना ही रहता है। तो मैंने इन दोनों को तैयार कर दिया, मेरे बड़े बेटे को भी मैंने पहले ही नहलाकर तैयार कर दिया था। तब है ना मैं यहाँ का सामान हटाऊँगी, क्योंकि आज मेरे रूम का कूलर लगने आने वाला है तो वो लगेगा। तो मैंने है ना यहाँ इस तरीके से खोके लगा देती, क्योंकि हमारे बाहर बिल्ली रहती है तो क्या होता है कि यहाँ से जगह खुली उसको दिखती है तो अंदर आ जाती है। बच्चे कभी कभी यहाँ की ये छोटी सी खिड़की है तो खोल देते, तो उसकी वजह से ना बिल्ली अंदर बाहर आ जाती है। तो मैं हमेशा वहाँ खोके वगैरह कुछ भी लगा के रखती हूँ, और उससे क्या होता है कि फिर मैं उसके अंदर कोई सामान भी रखती हूँ तो वो अच्छा सेफ रखे रहता है। तो बाहर के साइड से भी मुझे है ना पूरा खाली करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक यहाँ पे कोई सामान नहीं था तो मैंने यहाँ खोके रख दिए थे, लेकिन अब मुझे खोके भी हटाना पड़ेंगे। और जो मेरे बेटे की अलमारी का खोका था ना, वो तो अब बहुत ज़्यादा लूज़ भी हो गया है, तो उसमें तो कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं है, बस मेरा ब्लैंकेट ही है, तो वो भी मैं हटा कर है ना अब रख दूँगी। तो है ना यहाँ पे मुझे जगह बनानी है, और अब मैं अब यही सोच रही हूँ कि अब मैंने जो खोका डायपर का हटाया तो मैं इसे कहाँ लगाऊँ, क्योंकि है ना उसको बहुत बड़ी जगह लगेंगी। और मैं डायपर खाली कर रही थी, लेकिन है ना उसमें डायपर अभी बहुत सारे इतने ज़्यादा यूज़ नहीं हुए, तो मैं ज़्यादातर उसे है ना घर में तो डायपर अभी रमज़ानों में ही पहना रही हूँ, लेकिन आड़े दिन में नहीं पहनाती हूँ। हाँ अभी अब मेरे रिश्तेदारों में शादी है, तो मैं जब जाऊँगी ना तो वहाँ भी मुझे लगेंगे, तो ये अभी मेरे काम में आने वाले हैं। तो देखिए खोका ये सब ख़राब हो गया है, तो मैं इसमें से ब्लैंकेट निकाल दूंगी और इसे ना इस तरीके से चपट करके पीछे रख कर आ जाऊंगी, कभी भी कुछ भी काम पड़ता है तो उसके लिए अच्छा रहता है यूज़ करने के लिए। तो इस तरीके से मैंने उसे फोल्ड कर लिया और अब मैं इसे पीछे ले जाकर रख दूंगी। तो है ना ऐसा होता है कि आंगन में से एक सामान हटा है ना तो दूसरा आ ही जाता है, मतलब हम कितनी भी कोशिश करें इसे साफ़ करने की तो है ना ये साफ़ हो ही नहीं पाता है। अभी देखना अभी खोका मुझे यहाँ ऊपर रखना पड़ेगा, और यहाँ पहले से कितना सामान है, लेकिन मजबूरी है कि फिर अब इसको रखने की कोई और जगह नहीं। हमारा घर है ना एकदम सिंपल बना हुआ, मतलब ऐसा कोई स्टोरेज वगैरह की जगह नहीं जहाँ पर हम ये ज़्यादा का सामान रख सके, तो ये हमें सब सामने ही रखना पड़ता है। अब अलमारी में भी अभी थोड़ी सी जगह है तो मैं कैसे भी करके ब्लैंकेट घुसा दूंगी, लेकिन मुझे ये ब्लैंकेट यहाँ से भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि अलमारी में कपड़े रखने की जगह है। तो ये है ना मेरे दोनों देवरों के बिस्तर है, तो मैं इनको ढक देती हूँ, और यहाँ से भी है ना मैं सब सामान अब हटाऊँगी, क्योंकि हमें ना बहुत घान जैसी दिख रही है। तो मतलब तीन चार दिन में एक बार मैं यहाँ का सब अटाला साफ करते ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं यहाँ पे सब है ना सामान जमा होते ही जाता है। मैं यहाँ का सब साफ सफाई भी करते तो है ना मैं इसे झटक कर उसका बेडशीट बदल दूंगी। तो मैंने ये दूसरी बेडशीट ली, हमारे इसी तरीके है ना तीन चार बेडशीट है, तो हम उसे यहाँ ज़्यादातर बाहर बिछाने में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये अच्छी मोटी है और ये टिकी हुई भी रहती है काटन वगैरह की, तो इस पर बिछाओ ना तो कोई ढंग से रहने नहीं देता है। तो ये हमारी पुरानी बेडशीट है तो हम इसका यूज़ यहीं कर लेते हैं। तो देखिए मेरे थोड़े से कपड़े निकले थे, तो मैंने अपने बेटे को कहा कि अंदर रख के आ जाओ, और ये ऊपर के कपड़े भी सूख गए हैं तो मैं ये भी रख दूँगी। तो है ना हमारे रोज ही कपड़े धुलते हैं और रोज ही निकलते हैं, तो उसकी वजह से भी है ना कपड़े बहुत यहाँ पड़े रहते हैं। मतलब घड़ी करने का टाइम होता है तो हम कर लेते हैं, लेकिन और नहीं होता है तो फिर हम उसे रखे रहने देते हैं। अब मेरा बेटा भी है ना मेरे ससुर जी के पास था, तो वो उनके पास सिलसिल कर रहा था, तो मैं उसे बाहर लेकर आ गई हूँ। तब मैं इसे भी यहाँ बिठा दूँगी और अपना बाकी का काम करूँगी। अभी उसकी बेडशीटें हैं जो लगते रहती हैं ना, तो मैंने सब यहीं पर रख दिए हैं। मैंने डायपर भी यहाँ थोड़े बहुत रखे ताकि कभी काम पड़े तो यहीं यूज़ कर लूँ। तो देखिए मैंने खोका तो ऊपर रख दिया, लेकिन मैं इसे बार बार कैसे निकालूंगी, तो इसलिए मैंने क्या करा कि मैंने थोड़े से डायपर उसमें से निकाल लिए हैं, और अब मैं उनको पॉलीथीन में से निकाल कर है ना उनकी गड्डी जैसे जमा कर अच्छा पैक करके उनको रख लूँगी, क्योंकि है ना ये पॉलीथीन में अलग अलग है ना उसकी वजह से ज़्यादा जगह ले रहे हैं। तो ये ना नीचे भी इतना सारा कचरा जमा हो गया है, तो मैं कचरा भी निकाल लूँगी। तो हमारे जो बाजी आते हैं ना वो सामने सामने का ही झाड़ू पोछा करते हैं, वो अंदर से ज़्यादा डीप मतलब क्लीन नहीं करते, और वैसे भी जिसका घर होता है उससे ज़्यादा फिक्र होती है। काम करने वाले तो उनके हिसाब से काम करते हैं, लेकिन अपना घर है तो अपनों को तो देखना ही पड़ता है। आज मैं सुबह जब उठी ना तो मैंने यही सब काम हाथ में लिया, मैंने रोटी तो बना ली है और जो काम था वो भी कर लिया।
तो मैं रोटी बना रही थी, जब ही मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ गया था कि वहाँ का सब सामान हटा कर रखना, तो मैं कूलर लेकर आ रहा हूँ। तो हमें ना नया कूलर लगा रहा है, क्योंकि पुराना कूलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। और पुराना कूलर है ना, मेरे हस्बैंड कारखाने पर ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी बहुत गर्मी हो रही है। तो वो उन्होंने कहा है कि मैं पुराना कूलर वहाँ लगवा लेता हूँ और रूम के लिए नया लेकर आ जाता हूँ। तो है ना, मैं रूम की भी साफ़ सफाई कर रही हूँ, रूम में भी इतना सामान जमा हो जाता है ना, मैं रोज़ इसको सुबह शाम मतलब एक बार सामान सब हटाते रहते हैं। लेकिन खाने पीने का, और फिर बच्चे साथ में हैं तो फिर उनका भी कुछ ना कुछ खाना मैं लेकर आते ही रहती हूँ, तो उससे बहुत सारा चीज़ें जमा हो जाती है। तो मैंने ना डायपर थैली में भर कर रख दिए हैं, बाद में मैं इसे अलमारी में रख लूँगी। तो ये एक और ब्लैंकेट है जो हमने धुलवाया था, तो मैं इसे भी घड़ी करके रख दूँगी, क्योंकि पीछे अभी तक ये सूख रहा था। तो ये अभी तो धूप का मौसम है, लेकिन बाद में ना बहुत यहाँ पे बबर पानी हो गया था। तो एक खीमा है, तो आज हमारे यहाँ ना इफ्तारी में बांटने के लिए हम खीमे कोफ्ते बनाएंगे, और एक खीमा बाजी बना है रात की सहरी के लिए। तो मैं अपना रूम भी झाड़ लूँगी। तो मेरा हस्बैंड है ना बहुत परेशान हो रहे थे कि इतनी गर्मी हो रही है और हम रोजे रख रहे हैं, और जब वो दोपहर में कल सोने आए तो उन्हें पता चला कि दोपहर के टाइम तो रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और बच्चे और ही सो रहे हैं। तो वो है ना, फिर उन्होंने जल्दी से कहा कि मैं दूसरे दिन ही कूलर लेकर आ जाऊँगा। तो जब ऐसे हस्बैंड होते हैं ना, तो उनके लिए हमें से दुआ करते रहना चाहिए। जब भी वो मेरे लिए कुछ काम करते हैं, घर के लिए कुछ भी काम करते हैं ना, तो मैं उन्हें हमेशा दुआ देती हूँ कि अल्लाह इनके हर ख्वाहिश तमन्ना पूरी करे। क्योंकि ऐसे बहुत से हस्बैंड होते हैं जो औरतों की कदर नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि तुम कर भी रही हो तो कौन सा नवाई का काम है, इससे ज़्यादा मेहनत दूसरी औरतें करती हैं, और मतलब अपनी औरत की इज्जत नहीं करते हैं, बल्कि दूसरों का ताना मारते रहते हैं कि वो तो इससे ज़्यादा काम करती है, वो तो ऐसी हो तो ऐसे, तुम तो ऐसे हो। लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करते, और जितना उनसे होता है ना, वो हमारी उतनी खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो मैं तो उनके लिए हमेशा ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ने मेरे तो अल्लाह उनको हमेशा खुश रखे और उनके हर ख्वाहिश तमन्ना पूरी करे। और मैं अल्लाह का एक और बात का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि उसने हमें इस दुनिया में ना प्यारे नबी की उम्मत बनाकर भेजा, कि हमें किसी चीज़ से मोहताज नहीं रखा और हमें इस दुनिया में सही सलामत उतारा। ऐसी बहुत सारी दुआएं हैं जो हमें अदा करना चाहिए। और मैं जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद, पारा पढ़ने के बाद डायरेक्ट आपको मगरिब के टाइम मिल रही हूँ। तो मतलब ये हमारे ना इफ्तारी का टाइम हो रहा है, तो मैं कोफ्ते बना रही हूँ। तो बाहर से मेरी चाची सास ने इन्हें बना कर दे दिए थे और मैं यहाँ इन्हें फ्राई कर रही हूँ, तो ये बहुत अच्छे और टेस्टी बने थे। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं आपको डाल दूँगी। तो जब भी मौका मिले ना, तो अपने हस्बैंड के लिए हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। जब भी आप उनके जरिए किया गया काम देखें और उसको देखकर जब आपको खुशी हो ना, तो उस वक्त उनके लिए दुआ कर लेना चाहिए। क्योंकि है ना, वो इस दुनिया में कितनी सारी परेशानियां और मुसीबतें चल रही है, उसके बावजूद वो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बाहर इतने सारे इंतज़ाम करते हैं, बाहर की दुनिया से लड़ते हैं और हमारे लिए घर में हर चीज़ की सहूलियत करते हैं। तो इसलिए ना हमेशा अपने हस्बैंड को दुआ देते रहना चाहिए कि वो हमारे लिए इतना मुसीबतें उठाते हैं और हमारे हमारी खुशी का ख्याल रखते हैं। बाहर वो खुद तो धूप में परेशान होते हैं, लेकिन वो बच्चों को छाँव में बिठाते हैं, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, अपनी औरत को छाँव में बिठाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आज खाने में ना हमने खिचड़ी भी बनाई थी, तरकारी रोटी भी बनाई थी, और ये हमारे कोफ्ते भी बनकर तैयार हो गया, और इसी के साथ इफ्तार का टाइम भी हो गया है। तो अब मैं इफ्तार करने के लिए चले जाऊँगी। तो ये अल्लाह, मैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि इस दुनिया में हर इंसान की जो भी मुश्किलात, जो भी परेशानियाँ ना, वो सब दूर हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देखिए ना, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद है ना, हम थोड़े दोनों मियाँ भी चाय पीते हैं अदरक वाली। तो ये हमारा मतलब, इसके बिना तो हमारी पूरी इफ्तारी पूरी नहीं होती है, तो हम है ना चाय ज़रूर पीते हैं। तो मैं एक कप ही चाय बनाती हूँ और उसमें से हम दोनों मियाँ भी पी लेते हैं, क्योंकि हमको ज़्यादा चाय नहीं चाहिए होती है, लेकिन बस ये है कि दिन भर नहीं पीते ना, तो थोड़ी सी मतलब होना ये टाइम। तो हमने एक कप चाय बना लेती हूँ और हम दोनों ही उसमें से चाय को शेयर कर लेते हैं। तो पहले मैं अपने हस्बैंड को दे दूँगी और जब वो पी लेंगे तो फिर इसी में मैं भी पी लूँगी।
लगते ही देखे हमारा नया कूलर भी आ गया और इस तरीके से लग गया है। तो है ना जब हमने थोड़ा छोटे साइज में ही कूलर बुलाया है, क्योंकि फिर बाहर ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा लगता है, लेकिन जो इसका टप है ना वो हमने थोड़ा बड़ा ही बुलवाया है, क्योंकि है ना इसके आइट साइड से पानी गिरता है तो फिर नीचे की जगह सब गीली होती है, तो इसलिए हमने यहाँ का टप बड़ा लगवा लिया है। तो ये देखिए जगह फिर से बुक हो गई है। तो बस ऐसा ही होता है कि एक चीज़ हटती है ना तो दूसरी चीज़ यहाँ आ जाती है। तो ये देखिए हम मेरे हस्बैंड ने चाय पी ली थी, तो अभी बची हुई चाय भी मैं पी लूँगी। तो हम प्लेट से ही चाय पीते हैं, मुझे भी ना प्लेट से ही चाय पीना अच्छा लगता है। तब मैंने चाय पी ली और अब मैं ना अपने बच्चों के कपड़े बता रही हूँ। तो ये हमारे पास में ही ना बाजी रहते हैं, तो हम वहाँ कपड़े लाने गए थे। तो उन्होंने कहा था कि कपड़े देखने आना, तो हम देखने गए थे। तो मुझे जो जो ड्रेस अच्छे लगे तो मैं अपने बच्चों के लिए लेकर आ गई हूँ। तो ये ना अच्छी क्वालिटी में, मतलब ऐसा नहीं है कि ख़राब कपड़े हैं, बहुत अच्छा कपड़ा है। इनका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, इनकी क्वालिटी डिज़ाइन वगैरह भी बहुत अच्छी है, मतलब कि हम आराम से रमज़ानों में या ईद पर बच्चों को पहना सकते हैं। तो ये सेम इनका कपड़ा बहुत सॉफ्ट था और इनकी डिज़ाइन भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये मेरे बड़े बेटे के कपड़े हो जो मैंने पहले बताए, तो छोटे बेटे तो मैं कपड़े थोड़े ज़्यादा ही लेकर आ गई थी, क्योंकि फिर कैसा है ना कि हमारे बच्चों की कमी नहीं है। तो जैसे मेरी ननन के बच्चे हैं तो अगर कोई छोटा बड़ा ड्रेस होता है तो वो ले लेते हैं, मेरी बहन है तो उसके भी दो लड़के ही हैं, तो फिर उसको भी अगर कपड़े लगते हैं तो वो भी मुझसे कपड़े बुलाते रहती है, क्योंकि उसको है ना मिधर के मेरे हाथ के कपड़े अच्छे लगते हैं, तो वो मुझे ही कह देती है कि बाजी अगर कुछ पसंद आए तो ले लेना, मैं आपसे ले लिया करूँगी। तो इसलिए मैं ना ज़्यादा ही कपड़े कभी भी ख़रीदती हूँ। तो इसमें से एक एक ड्रेस तो मेरे बेटे और बेटे का है, लेकिन बाकी सब कपड़े मेरे देने के हैं। तो मैं ऐसा ही करती हूँ कि मैं कभी भी ख़रीदी करने जाती हूँ तो थोड़े ज़्यादा के कपड़े लेकर आ जाती हूँ। तो फिर है ना जिसको भी लगते हैं वो सब कपड़े ले लेते हैं और ऐसे हमारे कपड़े बढ़ जाते हैं। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, तो मैंने सोचा कि ईशा की नमाज से पहले थोड़ा सा पारा और पढ़ लेती हूँ। तो मैं ऐसा ही करती हूँ कि अगर मुझे टाइम नहीं मिलता है ना तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ही पारा पूरा पढ़ लेती हूँ, तो उससे मेरा टाइम मैनेज हो जाता है, क्योंकि फिर एक साथ पढ़ने की कोशिश में ना फिर दूसरे काम बढ़ जाते हैं। तो अभी मुझे थोड़ा सा टाइम था तो ये मैं पढ़ लूँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे अभी सबको खाना देना है। तो मेरे चाचा ससुर है ना बाहर गांव गए थे, तो वहाँ से है ना मछली लेकर आए, तो हमने तो खाना बना लिया है। तो हम क्या करेंगे कि इसको धो धुला कर नमक और नींबू लगाकर फ्रिज में रख देंगे, सुबह बना लेंगे। तो मैं अपने ससुर जी को खाना देने के लिए आई थी, तो हमने उनके लिए ना फीके कोफ्ते बनाने के लिए निकाले थे, क्योंकि वो बिल्कुल भी अभी मिर्ची बहुत कम खा रहे हैं ना, तो इसलिए हमने उनके लिए एकदम फीके बनवा। मेरी सास ने सब सामान मिला कर रख दिया था, तो मैं यहाँ आई थी तो मैंने कहा मैं खाना दे देती हूँ, तो मैं उनको खाना दे दूँगी, उसके बाद अपने देवर को खाना दे दूंगी खिचड़ी भून कर, और फिर मैं भी खाना खा लूंगी। ऐसे भी ज़्यादा खाना तो खाया नहीं जाता है, लेकिन बस एक आधार के तौर पर खा लेते हैं। तो मेरा बेटे को मच्छी देखने का बहुत शौक है, तो वो है ना बार बार ऊपर चढ़कर मच्छी देख रहा था कि वो कैसे। तो ये ना ये टाइम हमारा बेसिंग इतना भर जाता है, मतलब देखिए मैंने अपने ससुर जी की थाल वहाँ नीचे वहाँ कोने पर रखी है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं थी रखने के लिए, क्योंकि उधर भी काम चालू था और इधर भी मैंने रोटी वगैरह बनाए तो सब चीज़ें फैली हुई और मुझे और रोटी बनानी, इसलिए मैंने सामान उठाया नहीं है। तो ये देखिए कितना यहाँ पे पूरा भर जाता है। तो इसी तरीके से रोज़ हमारा किचन फैलता है और रोज़ ही हम इसे से समेट लेते हैं। तो मेरे देवर को ना भुनी हुई खिचड़ी पसंद आती है, तो इसके लिए मैं उनके लिए तवे पर ही खिचड़ी भून दूँगी, क्योंकि तवा अच्छा गर्म है तो इस पर जल्दी से खिचड़ी फ्राई हो जाएंगी। तो मैंने ना आटे को सही भी नहीं करा, उसे ऐसे ही छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे देवर को खाना जल्दी चाहिए था ना, तो मैं उसे वहीं छोड़कर ना फिर खिचड़ी भुनने लग गई थी। तो अब देखिए कितने सारे बर्तन जमा हो गए हैं। तो मतलब किचन का काम तो ऐसा होता है कि एक बार अगर किचन में आ जाओ ना तो जल्दी बाहर जाना होता ही नहीं है। तब मैं सब चीज़ें उठा कर रख दूँगी और सब पोछा पाछी भी करके ना फिर यहाँ के बर्तन भी धो लूँगी। तो मैं अपने देवर के लिए भी थाल लगा रही हूँ जब तक कि मेरे, तो हमारा खाना तो सब बहुत कम खाते हैं, लेकिन सबके टाइम टेबल अलग होने की वजह से है ना हमें ये इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें फिर पूरा टाइम हमारा किचन में चला जाता है। तो देखिए बर्तन भी मैंने सब जमा कर लिया, मैं सब एक साथ ही धो लूँगी। तो मैंने भी यहीं बैठकर खाना खा लिया था और मेरी सास ने खाना नहीं खाया था, तो वो अब खाना खा रहे हैं और मैंने किचन साफ़ कर लिया है। और मेरी चाची सास ने भी खाना नहीं खाया था, वो भी अपना खाना लेने के लिए आ गए। तो ऐसा ही होता है कि हमारा किचन साफ़ होता है और उस पर और काम चालू
हो जाता और मेरा बेटा भी उड़ गया था तो अब मैं इसे भी गोद में ले लूँगी। और ये देखिए हमारा पुराना कूलर है, तो मेरे बेटे का डांस करने का जब दिल होता है, जब डांस करने खड़ा हो जाता, सब काम करने के बाद मैं फ्रेश हो गई थी और फिर मैंने नमाज भी पढ़ ली है, पारा भी पढ़ लिया और मेरा सब काम भी हो गया है। हमारी वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।